डिपार्टमेंट में क्या जी? अभी तो खड़े हैं, चल आज खड़े गए अरे तो मैं इस समय आज फिर IIT BHU के निदेशक कार्यालय के सामने हूँ और ये बच्चों को देख सकते हैं कि पिछले बुधवार यानी कि ठीक 8 दिन पहले जो रात को IIT की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी जो लंबी चौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस बनारस की जो फौज खड़ी है आज तक जो है उन अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आज फिर मजबूर होकर के IIT BHU के बच्चे सड़कों पे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं चूँकि जो है प्लेसमेंट की भी इनको तैयारी करना है और इसलिए यहाँ पे आज नारेबाजी वगैरह नहीं हो रही है और ये बच्चे बिल्कुल अपने पठन पाठन का जारी रखते हुए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपराधी की गिरफ्तारी तत्काल हो। आइए हम जानते हैं कि आज किस लिए दोबारा मजबूर होकर के ITNs को सड़कों पे उतरना पड़ा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष है, हम लोग यहीं के छात्र हैं। 1 तारीख की रात को जो घटना हुई थी सर, 2 तारीख को भी हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे, लेकिन अभी तक दोषी कहाँ है सर? दोषी पकड़े क्यों नहीं गए हैं? क्या पुलिस पूरी मेहनत कर रही है? क्या कॉलेज प्रशासन अपना एफर्ट लगा रहा है? लगा रहा तो वो चीज़ कहाँ है? पुलिस तो कह रही है कि 5 टीमें और 170 CCTV कैमरे को खंगाला गया है, 1 दर्जन लोगों को अब तक जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है। हमें से आप दोषी के आप दोषियों की लिस्ट दीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कौन कौन दोषी है हमको बताइए। यहाँ जो पीड़िता का दर्द है आप उसको नहीं समझ रहे हैं, यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है। जो हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो घटना हुई है और जो भी पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी लोग हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि सुबह से आप लोग धरने पे बैठे हैं, कोई पुलिस अधिकारी आकर के बातचीत किया आपसे? अभी किसी से कोई बातचीत हमसे नहीं किया है, बस हम लोग बैठे हुए हैं और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग बैठे रहेंगे। तो देखिए ये छात्रों का स्पष्ट कहना है कि बिल्कुल जो है इस दुर्घटना के बाद से इस विश्वविद्यालय में केवल और केवल राजनीति हो रही है, सुरक्षा के नाम पे सिफर परिणाम है और यहाँ तक कि जो है अपराधी अभी तक की पुलिस के शिकंजे में नहीं है। तो आज ये विद्यार्थी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।